Hi, I'm Neha Bajaj and you're watching me on Zoom today. And today we are in for a treat as we unravel the minds behind a remarkable masterpiece called The Railway Men. And as the saying goes, the secret of crisis management is not the good versus bad. It's preventing the bad from getting it worse. Well, joining me today is the star cast and the director of The Railway Men, who have crafted a sensational and an emotional masterpiece. So, welcome Shiv Rawal, Mr. KK Menon, Babul Khan and Devendu. Thank you so much, Neha. Thank you. So, I start with KK sir. So, we saw you in Special Ops as Mr. Himmat, jo desh ko bacha rahe the aur ab aap Bhopal ki janta ko bacha rahe hain. So, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक सेवियर है? हाँ, कभी-कभी जिंदगी में अपने आप से बचाना पड़ता है ना, तो वो आदत सी पड़ गई है. नहीं, ऐसी अब इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. बहुत सारे क्रूर किरदार भी मैंने निभाए हैं. तो ऐसी बात नहीं, वहाँ पे लोगों को मेरे से बचना पड़ता है. yes. तो वो किरदार के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार का किरदार निभाता हूँ. ओके, एंड आई एम टॉकिंग टू द डायरेक्टर मिस्टर शिव रावल. मैंने सीरीज फिनिश की, मुझे बड़ी अच्छी लगी. आई रियली लाइक द इंट्रिकेसीज कि उसमें हर चीज़ मिस रोड से लेके हर चीज़, जैसे यूनियन कार्बाइड की अगर हम बात करें तो एक आम जनता को वो इतना पता नहीं है दैट व्हाट इज इट. पता है लेकिन आपने बड़े इंट्रिकेसी से उसको समझाया. सो डू यू फील कि मास ऑडियंस के लिए आपको लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है उनको कुछ इंट्रिकेसी समझना? नहीं, आई डोंट थिंक इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट टू यू नो जितना उसको सिंपलीफाई कर सके, जितने लेमैन टर्म्स में कर सके. और मैम, मास ऑडियंस क्लास ऐसा कुछ है नहीं. ऑडियंस सबसे स्मार्ट है, दे आर द स्मार्टेस्ट, एंड उनको वो चीजें पकड़ते हैं जो हम नहीं पकड़ पाते. और हम उनको, जैसे ही हम उनको सेकंड गेस करते हैं, हम गलती कर जाते हैं बिकॉज दे आर द स्मार्टेस्ट एंड दे वो सब समझते हैं. दे उनको सब चीज की समझ है, हमसे ज्यादा समझ है. उनको हर चीज समझ में आती है. एब्सोल्युटली, और दैट्स व्हाई मुझे भी हर चीज बड़े अच्छे से समझ आई कि वो पानी में मिक्स हुई तो बहुत डेंजरस हो गई. एंड कमिंग टू देवेंदु, आप वैसे तो गुंडे बनकर आए थे लेकिन बीच में चेंज ऑफ हार्ट हो गया. सो डिड यू लाइक योर ट्रांजिशन ऑफ दिस कैरेक्टर जो बलवंत का था? डेफिनेटली यस. आई मीन मेक्स हिम मच मोर ह्यूमन दैट वेज. ये ऐसा एक इंसान है शायद जो कि शायद ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी लाइफ में कि सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है, अपने सर्वाइवल के बारे में पहले सोचता है. बट भोपाल गैस लीक एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, इतना बड़ी ओवरवेलमिंग एक सिचुएशन थी जहाँ पे शायद आप अपने आप से उठ के कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कर पाएंगे. एग्जैक्टली, टू जस्ट टू फाइंड दैट ह्यूमन इन हिम वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, यू नो. जो ट्रांजिशन की बात करें, ऑल्सो आई लाइक दैट सीन जिसमें के सर आपको बोलते हैं कि आज हमें कॉन्स्टेबल की जरूरत है. जी, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन. आई रियली लाइक दैट. सो कमिंग टू मिस्टर बबल, पूरी स्क्रिप्ट में जहाँ पर आपको वो जर्नलिस्ट भी आते हैं, वो आपसे पूछते हैं और आप बिल्कुल बेखौफ होकर बताते भी हैं कि ये चीज़ें हैं, आपने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स किए और आपको लगा कि वो जो है लोगों को किस तरीके से समझ आएगा, पसंद आएगा कैरेक्टर के? यस, मैंने एक्चुअली फिल्म सीरीज, फोर पार्ट सीरीज शुरू होने के पहले 3-4 महीने एक तो वर्कशॉप की थी स्क्रिप्ट के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, और डायलेक्ट कोचिंग की थी. तो वो दोनों चलता था, और फिर एक आपकी पर्सनल रिसर्च होती है, आप वो कहाँ से आया है, वहाँ जाना, मैं भोपाल गया, फैक्ट्री पे गया, बस्ती में गया. तो बस उन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा था मैं. और क्या होता है ना, प्रेपरेशन मैकेनिकल और इंटेलेक्चुअल होती है, रिसर्च तो इंटेलिजेंस से ही होती है, बट उस इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअलिटी और प्रेपरेशन को आप कैसे सेट पे जाने के पहले छोड़ दो और ये भरोसा करो कि वो आएगी प्रेपरेशन, आपकी बॉडी को आती है और बॉडी कर लेगी. वो छोड़ना, एक्चुअली अपने आप को छोड़ना ज़्यादा आई थिंक इज द टफेस्ट. तो आप रियल लाइफ में भी इतने बिंदास हैं कि कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आती है तो आप बिना डरे हायर अथॉरिटीज के ऐसा कुछ बोल नहीं? नहीं, कहां, मेरा कैरेक्टर तो काफी डर के. लेकिन बीच में जब वो जर्नलिस्ट आते हैं, हमने बता दिया था कि एक फेलो वर्कर भी थे जो जी ये इस गैस लीक के शिकार हुए थे. बिंदास मुझे पता नहीं, लेकिन मैं
मैं अपने डर से एक्सेप्टेंस में हूँ. मतलब मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं नहीं डरता, मतलब मैं बहुत डर लग रहा है पर मैं करूंगा. ऐसा हूँ मैं. इन दिस केस इट वाज पर्सनल आल्सो. जो इमाद रियाज बताता है, इट वाज वेरी पर्सनल. हिज क्लोज फ्रेंड एक्चुअली हैड टू गो ऑल दैट, सो मोर देन एनीथिंग इट वाज दैट पर्सनल टच. वेरी पर्सनल. या एग्जैक्टली. ओके. एंड सेट पे भी क्या आपको किसी से हल्का फुल्का डर लगा? डर नहीं लगा, बहुत इंस्पिरेशन हुई सबसे. हर हर बंदे से, के सर हो या दिवेंदु हो या मैडी सर हो या शिव हो, से उनसे भी, उनसे लेके जो यू नो ट्रैक लगा रहे हैं, जो जो ट्रेन बनी है उसका पाना सही कर रहे हैं, उन सबसे इंस्पिरेशन. डर नहीं लगा. दैट्स रियली वंडरफुल. एंड कमिंग बैक टू शिव, मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी कि 2018 से इस पे काम हो रहा था. एंड आपने बोला कि हमें राइटिंग में हमें काफ़ी टाइम लग गया. सो जब आप ये बना रहे थे तो आपने स्टार कास्ट कैसे डिसाइड की कि आई वांट कि स्टेशन मास्टर जो हैं वो ये बने, या जो माधवन का जो कैरेक्टर है उसमें रति पांडे का, तो हाउ डिड यू फिगर आउट द कैरेक्टराइजेशन और कैसे ये कास्टिंग हुई? ये बहुत टफ क्वेश्चन है आंसर करना, क्योंकि आप यू नो आप जब आप एक कैरेक्टर लिखते हो और जब आप उसको फ्लैश आउट करते हो, आपके डायलॉग आते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हो कि ये रोल सबसे बेस्ट कौन निभाएगा. एंड आई थिंक वो ही आपको रास्ता दिखा देता है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी स्क्रिप्ट है. लाइक एवरीथिंग एल्स इन फिल्म मेकिंग, दैट विल ओनली टेक यू ऑन द राइट पाथ एंड शो यू वेयर दिस नीड्स टू गो. तो जैसे हम इफ्तिकार सिद्दीकी के लिए के सर के साथ पहुंच गए, रति पांडे के लिए मैडी सर के पास, कॉन्स्टेबल के लिए दिवेंदु और इमाद के लिए बाबिल, ऐसे ही हम ऐसे ही पहुँच गए इनके पास. और आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड एंड यू नो दे ऑल सेड यस बिकॉज यू नो फिल्म आई मीन शो की एक स्ट्रेंथ है इसकी कास्टिंग. और इतने सारे बेहतरीन एक्टर्स साथ में आके परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑडियंस इसको शायद बहुत अच्छा लगेगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. एंड कमिंग टू के सर, इफ्तिकार सिद्दीकी का जो आपका कैरेक्टर था, एक बीच में बड़ा अच्छा सीन था कि वो ट्रेन आती है, आप बोलते हैं कि 3 मिनट बाद ये चली जाएगी, एंड देन यू जस्ट हेल्पिंग ऑल द पीपल ऑफ भोपाल. आपके लिए मैंने देखा वो आंखों से खून निकल रहा था, आप लोगों ने फेस बांधा था, इट वाज सो बिलीवेबल. वो पूरी आपकी क्या तैयारी रही कि मतलब मुझे भी लग रहा था कि कुछ हो रहा है रियल में, एंड इट इज़ वेरी स्कैरी जो गैस लीक हुआ है. तो आपने अपनी तरफ से क्या क्या इसमें अपना एसेंस डाला, या आपने अपनी तरफ से क्या तैयारी? पहले से वो एक तरह से मेरी मसल मेमोरी होगी कि मैं हमेशा चीज़ों को विश्वसनीय करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक कॉरपोरेट वाला आदमी हो या स्टेशन मास्टर हो या इस परिस्थिति में हो. तो उस सिचुएशन, आप दूसरी बात क्या हुआ ना कि जो हमने सेट बनाई, जो शिव और रजत ने मिलकर जो सेट और डिज़ाइन किए हैं, जिस तरह से लोग थे, सब बहुत ही बिलीवेबल थे वहाँ. तो वो भी हेल्प कर गया हमको अपना पार्ट निभाने में. क्या होता है कि जब आप मुड़ के देखते हो, आप एक जूनियर को देखते हो, उसका कपड़ा, उसका जो हालत है, वो इतना रियल और बिलीवेबल था कि आपको सिर्फ फिर वहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ही रियल. वो स्टेशन आप पूरा का पूरा सेट था, लेकिन इस तरह से बनाया गया था कि आपको फील नहीं होगा कि आप स्टेशन पे भोपाल का स्टेशन ही लग रहा है. तो इसलिए एक्टर के आप अगर एक्टर के साइड से देखोगे तो वही सेम फीलिंग हम लोगों को भी था कि हम लोग जब भाग रहे थे, ट्रेन में चढ़ रहे थे एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही रियल थी. तो हमको सिर्फ उससे रिएक्ट करना था, और बाकी सारी चीज़ें कोशिश करते हैं, वो बारीकियां हैं जो बिलीवेबल करने की होती हैं, कि आपको उस वक्त के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ ढूंढना होता है, वो मिल जाता है, क्योंकि आपका वैसी मतलब आपकी ज़िंदगी एक्टिंग में वैसी गुजरी है अभी तक. और आपके लिए आपका सबसे फेवरेट सीन कौन था जो आपने पिक्चराइज किया, आपने देखा भी 18 नवंबर? मुझे नहीं पता, वो ऑडियंस बताएगी. मैं क्योंकि मैं उसमें उलझा हुआ था, मैं ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाता हूँ, मुझे ज़्यादातर चीज़ें खराब लगती अपनी खुद की. और ऐसा क्यों? हाँ मैं ज़्यादा अपने आप को देख नहीं पाता, क्योंकि वो फिर अगर नार्सिसिज्म का कोई विपरीत कोई शब्द है वो मेरे लिए है, मैं कर ही नहीं सकता. सो यू फाइंड आउट लॉस कि यू आई डिडंट डू दिस राइट? नहीं, मुझे लगता है कि यार मैं ना देखूं, मैं अपना काम, मैं मतलब ठीक है यार, नजर लग जाएगी. नजर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है मुझे, ऐसी मतलब मैं दूसरों का काम देखता हूं, अपना काम छोड़ देता हूं दूसरों पे, क्योंकि एज अ परफॉर्मर आई वांट पीपल टू वॉच इट एंड लोग जो कहेंगे वो सत्य है.
ओके एंड देवेंदु आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा सीरीज में जो पिक्चराइज करने में भी आपको बहुत मजा आया एंड जब आपने देखा यू ब्लूम देखिए आउटकम वाली बात तो जो सर कह रहे हैं वो है क्योंकि वो आप नहीं जज कर सकते खुद वाइल पिक्चराइजेशन मैं बोलूंगा जहां पहली बार बलवंत मिलता है स्टेशन मास्टर से जब उतरता है और बात होती है और वो आते हैं भाई कौन है क्या है वो करने में बहुत मजा आया था मुझे नोट वाला सीन भी बड़ा अच्छा लगा जी जो एंड में नोट वाला सीन हाँ वो भी बहुत अच्छा था बट अगर आप मेरी मेमोरी के बारे में अगर बोलें तो मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जहाँ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होती है बलवंत और स्टेशन मास्टर की तो या दैट आई रियली एंजॉयड दैट एंड अगेन शिव कमिंग बैक टू यू आई नो आपसे बहुत लोगों ने पूछा और मेरे भी दिमाग में आया दो आई अंडरस्टूड व्हाई जस्ट अ 4 एपिसोड सीरीज बिकॉज़ यूजुअली वी सी कि 7-8 एपिसोड्स होते ही होते हैं सो व्हाई जस्ट अ 4 एपिसोडिक सीरीज मैम द स्टोरी इज ओनली अबाउट दिस मच आई थिंक जो द स्टोरी दैट सेट अप फॉर द शो जैसे आपने तो अभी देख ली है जो कहानी है वो वहीं तक सीमित है और उसी को कहने में हमने 4 एपिसोड लगाए हैं अगर हम 5 लगाते तो शायद ऑडियंस को उतनी पसंद शायद नहीं आती शायद एक स्ट्रेच आ जाता बट क्योंकि रेलवे मैन की कहानी है और उनके बहादुरी की कहानी है ये हमने अपने बेस्ट एबिलिटी तक इतने में सोचा ये बेस्ट कही जा सकती है और हमने उतने तक ही रखी है इसे वी केप्ट इट टू दैट मच नॉट मोर देन दैट बिकॉज आई थिंक दैट्स द लॉट ऑफ पीपल आर यू नो मैसेजिंग कि यू नो वी वॉन्टेड अ लॉन्गर सीरीज पर जब लॉन्गर सीरीज होता है और एंगेजिंग नहीं होती तो उतनी गाली भी पड़ती है कि आपने लंबी बना दी और नो बट आई थिंक इट्स राइट बिकॉज़ इट्स सो सच एन इंटेंस सब्जेक्ट इट्स जस्ट इंटेंस में आई थिंक 4 वो काफी डोसेज काफी ठीक यू नो वी सेट आउट टू मेक लाइक अ ड्रामेटिक थ्रिलर एंड यू नो आपको एंगेज रहे एंड आई थिंक वो द टाइट द लेंथ ऑफ इट उसको ऐड करता है एंड बबल कमिंग बैक टू यू आपने क्या किसी भोपाल गैस ट्रेजेडी सर्वाइवर से भी इंटरेक्ट किया या वहाँ के विक्टिम्स से तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उसमें जब मैं गया था भोपाल फैक्ट्री विजिट करने तब बस्ती में गया था मैं और वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जेनरेशनली इज नॉट अ वर्ड नो बट वो अभी भी अफेक्टेड है जो तब जो वहाँ पर नहीं थे वो भी अभी विक्टिम है वो यू नो व्हाट आई मीन लाइक उन्होंने वो ट्रेजेडी नहीं देखी लेकिन वो ट्रेजेडी के विक्टिम थे विच इज अब्सर्ड लाइक जो अनबॉर्न बेबीज और न्यू बॉर्न बेबीज में हुए थे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जैसे हमने ओके एंड अब मैं केके सर से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको मौका मिलता इसके क्लाइमैक्स को चेंज करने का तो क्या आप करते इसे नहीं नहीं करता मुझे उसका कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं ओके मुझे लगता है कि ये एक तो चूंकि ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड भी है काफी सारी चीजें जो हुई है जरूरी यह है कि आप मनगढ़ंत तो कर रहे हो लेकिन उसके साथ ही साथ में कुछ ऐसा कुछ लिंक हो जो एक्चुअल इंसिडेंट्स के साथ हो तो मुझे तो पर्याप्त लगता है एंड शूटिंग के वक्त आए दो मैंने आपके इंटरव्यूज देखे आपने बताया कि हम सब शूट कर रहे थे एंड इन्होंने भी बताया कि आपको पसीना नहीं आ रहा था समहा और बाकी सबको आ रहा है ऐसा नहीं है ऐसा कोई मतलब mentioned some technique इससे नहीं एक हाथ जगह पे हुआ पसीना टेक्निक सर हां नहीं टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म क्या हुआ कि वो जो ट्रैक ट्रॉली पे एक सीन पहले बहुत तेज गर्मी थी 45 डिग्रीज मैं कोट शॉर्ट पहना हुआ था और मुझे पता था कि अगर मैं जरा भी फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो पसीने छूट जाएंगे और फिर वो पसीने पोंछने में वापस कंटिन्यूटी मेंटेन करने में पूरा दिन निकल जाए तो मैं शांत अपने आप को एक जगह बैठ करके शांत बैठा हुआ था ताकि पसीना ना नॉर्मली आप अगर शांत बैठते हो और ज़्यादा कुछ अब अंदर से व्याकुल नहीं हो तो पसीना बायोलॉजिकली नहीं आती तो मैंने कुछ किया नहीं उसका तो वैसा है वो आप शांत बैठ जाओ तो पसीना नहीं आएगा तो मैंने वो किया जैसे टेक शुरू हुआ टेक कर दिया उसके बाद चुपचाप बैठ गया दैट्स ऑल आई डिड तो उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं तो आप मुंबई की गर्मी भी ऐसे बीट कर लेते हैं नहीं मुंबई में मैं व्यस्त रहता हूँ ना हाँ अलसाऊंगा तो डेफिनेटली मतलब कुछ नहीं हुआ लेकिन आप बैठ सकते हो नॉर्मली अगर आपको गर्मी में हो और अपने सांसों को आप जरा सा धीमा कर दो बैठ जाओ तो कुछ होता नहीं आपका इट्स अ मेटाबॉलिज्म थिंग जितना आप उसे कम करोगे उतना पसीना नहीं निकलेगा सभी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक रेलवे मैन नहीं देखी है
please go watch it. Yeah, people are going crazy about it. Yeah. You're missing out on a good series. Please go and watch it. Yeah. What? अभी तक नहीं देखी. कमाल है यार. अभी लगा दो. I think they've said it. Okay. So thank you so very much. It was lovely chatting with the powerful men of the railway men. Thank you so very much. Thank you. Thank you.